हेलो बच्चों गुड इवनिंग वेलकम टू बायोमेंटेस क्लासेस ऑनलाइन आज हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है एडजस्ट कीजिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन वालेकुम सलाम बच्चों राधे राधे रश्मि इशरत वालेकुम सलाम रश्मि गुड इवनिंग स्नेहल चलिए स्टार्ट करते हैं प्रणाम ऋषि चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हेडिंग डालिए है, प्रोजेक्टाइल मोशन इकरा वालेकुम सलाम कुमद गुड इवनिंग चलिए स्टार्ट कीजिए लेक्चर फोर्टी थ्री चलिए अब बातें नहीं कॉपी पेन निकालिए लेक्चर फोर्टी थ्री प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत छोटा सा टॉपिक है दो दिन दिया है पूरे आईटी के क्वेश्चन हो जाएंगे हाँ बेटा तबीयत ठीक है आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है आप लोग एडजस्ट कीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन अ बॉडी थ्रोन इन स्पेस अ बॉडी थ्रोन इन स्पेस विच मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली विच मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली किसी बॉडी को हमें स्पेस में थ्रो करना है और वो सिर्फ ग्रेविटी के अंतर्गत अगर मोशन करती है तो ऐसे मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन <coughs> किसी बॉडी को हमें स्पेस में थ्रो करना है एक एक लाइन में इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो भी मैं लिखूं आपकी कॉपी में होना चाहिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने में काम आएंगे नोट कीजिए अ बॉडी थ्रोन इन स्पेस विच मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली फिर लिखो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल क्या कहलाता है पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल ये कहलाता है ट्रेजिक हिंदी में पथ पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल नोट कीजिए बेटा पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल ये कहलाता है ट्रेजिक कैसा मोशन होता है ये टू डायमेंशनल मोशन ज्यादातर इट कैन बी डिस्क इन टू पार्ट्स पहला वर्टिकल मोशन दूसरा ओरिजोंटल मोशन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखना है वो ध्यान से ये लाइन एग्जाम में आई है कैसे क्वेश्चन में देखेंगे हाँ ज्यादातर ये मोशन टू डी मोशन होता है इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यहाँ तक लिखो फिर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊ ये नीचे आने वाले मोशन को कहते हैं वर्टिकल मोशन और इस तरह के मोशन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन ध्यान से सुनिएगा ये दोनों मोशन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं ये दोनों मोशन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं याने, याने ये कि जो चीज़ वर्टिकल होगी उसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट ज़ीरो होगा और जो चीज़ हॉरिजॉन्टल होगी उसका वर्टिकल इफेक्ट ज़ीरो होगा याद रखना दो तरह के मोशन तो होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते जो चीज़ वर्टिकल है उसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट ज़ीरो और जो चीज़ हॉरिजॉन्टल है उसका वर्टिकल इफेक्ट ज़ीरो क्लियर है ये लाइन इंपॉर्टेंट ध्यान से लिखिए। क्या लिखा दो डायरेक्शन में मोशन होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो डायरेक्शन में मोशन होगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए दीज टू मोशंस दीज टू मोशंस टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर ये जो दोनों मोशन होंगे वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे इंडिपेंडेंट ये जो दोनों मोशन होंगे वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे लिख लो इसे आगे में इट इज कॉल्ड इस प्रिंसिपल को कुछ कहा गया इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन ये दोनों मोशन एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे हाँ जी प्रीतम इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन दो मोशन होंगे ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा क्या कहते हैं इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन काफ़ी बच्चों को पता है बेटा गुड चलिए आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल मैं बेसिक से करवा रहा हूँ दो तरह के प्रोजेक्टाइल हमें पढ़ना है एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल में लिखो दो तरह के एक होगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एक होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हाँ नितेश याद रखिएगा बेटा प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल दो तरह के प्रोजेक्टाइल पढ़ना है पहले वाले पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे कंपैरेटिवली कम बनते हैं तो दो तरह के मोशन होते हैं बेटा फोकस बैच का बेटा रईस मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल चलिए पहली एडिंग डाल लीजिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे ध्यान से ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल तो इसमें क्या होता है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एक एक चीज बता रहा हूं बेटा काफी सारी नई चीजें बताऊंगा विथ सर्टेन वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल एक घंटा दीजिए प्रोजेक्टाइल को विद ऑरिजोंटल अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ सर्टेन वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल विथ ऑरिजोंटल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं बिल्कुल ठीक बेटा अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ सर्टेन वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल विथ ऑरिजोंटल फिगर भी बना लो थोड़ा डेप्थ में ही बताऊंगा बेटा ये यू वेलोसिटी से फेंका और कुछ एंगल बनाते हुए फेंका किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंकना है किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंकना है और कुछ एंगल बनाते हुए फेंकना है तो पाँच तो पहले बेसिक फार्मूले याद रखना है पहला कितनी देर पत्थर हवा में रहा है इसे कहते हैं टाइम ऑफ लाइट दूसरा कितना ऊपर गया इसे कहते हैं हाइट तीसरा कितना दूर गया इसे कहते हैं रेंज चौथा किस एंगल पे फेंकें की चीज सबसे दूर जाए और पांचवा पाथ हाँ दीपक नोट कर लो अभी ज्यादा नहीं हुआ है टाइम हाइट रेंज मैक्सिमम रेंज पाथ पहला फॉर्मूला आएगा टाइम का फिर हाइट हाइट का फिर रेंज का फिर मैक्सिमम रेंज का फिर पाथ का चलिए फॉर्मूले लिखिए बॉडी को कैसे प्रोजेक्ट करना है कुछ इनिशियल वेलोसिटी देना है कुछ एंगल पे फेंकना है क्लियर है सबको याद होंगे मैं जानता हूँ बेटा सबको फॉर्मूले याद होंगे मैं जानता हूँ ये बेसिक लेसन है इसीलिए ये लास्ट में हो रहा है टाइम का फॉर्मूला बिना दिमाग पे जोड़ दिए लिख बोलिए टू यू साइन थीटा बाय जी टाइम का फॉर्मूला सबको याद होगा टू यू साइन थीटा बाई जी ये मुझे पता है ये लेसन आपको आता है. लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन का फॉर्मूला टू यू साइन थीटा बाई जी टाइम का फॉर्मूला टू यू साइन थीटा बाई जी क्लियर है हाँ ये याद होंगे बेटा सबको याद होंगे ये जल्दी जल्दी बस रिवाइज करो हाइट का फॉर्मूला पत्थर कितने ऊपर जाता है यू स्क्वेर साइंस स्क्वायर थीटा बाय टू जी हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वेर साइंस स्क्वायर थीटा बाय टू जी अच्छा टाइम का बताया है भविष्य को याद है संभवी को भी को याद है बेटा संभवी गुड ये सबको याद रहते हैं बेटा एक क्वेश्चन अक्सर आता है हाँ, तो हाइट का क्या हो गया यू स्क्र साइन स्कोर थीटी बस एक सिस्टमेटिक नोट्स बना लो बेटा अगला हॉरिजॉन्टल रेंज ब्रैकेट में लिखो आर पत्थर कितनी दूर गया इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज पत्थर कितनी दूर गया इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ये होता है यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाय जी रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी बस जल्दी जल्दी लिखते जाओ बेटा जल्दी जल्दी लिखते जाओ मैं बिल्कुल टाइम नहीं लगाऊंगा मुझे पता है आपको आता है ये सब इसीलिए ये टॉपिक मैं लास्ट में कर आ रहा हूं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें आसान होंगी रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला मैक्सिमम रेंज को आर मैक्स से लिखते हैं मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आर मैक्स से लिखते हैं मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर बाय जी मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर बाय जी कब जबकि थीटा फोर्टी फाइव डिग्री हो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय जी सबको याद है बेटा बादल कुमार को भी फॉर्मूले याद है कर रहा हूँ वो रेऑप्टिक से ही कर रहा हूं मुझे पता है इलेक्ट्रिसिटी आपको आती है तो जो आती कई चीजें वो बाद में होंगी ऑप्टिक्स आपका थोड़ा सा वीक रहता है तो उसे पहले लेंगे हम मैक्सिमम रेंज लिखी है यू स्क्वायर बाई जी फोर्टी फाइव के एंगल पर <coughs> पात, <पातो> प्रोजेक्टाइल <coughs> नहीं आ दो तो याद कर लेना थोड़ी बड़ी इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्र थीटा ये लेटेस्ट पूछा गया है बेटा मेंस में इस इक्वेशन पे बेस्ट क्वेश्चन वाई इक्वल टू एक्सटेन थीटा नीतीश नहीं आती है बेटा तो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से करेंगे लेकिन स्टार्ट पार्ट टू से करेंगे स्टार्ट पार्ट टू से करेंगे बेटा एक्सटेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वेर अपॉन यू स्क्र कॉ स्क् थीटा y इक्वल टू क्या होता है tan थीटा याद होगा ये भी y इक्वल टू एक्सटैंड थीटा देखेंगे बेटा दानिश रेगुलर क्लास लेंगे हम जितने भी मैक्सिमम हो जाए माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर कॉस्क् थीटा ये किसकी इक्वेशन होती है पैराबोला की तो बात कैसा होता है पैराबोलिक ये किसकी इक्वेशन होती है पैराबोला की दीपक को याद है बेटा गुड आपने इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन टाइप भी कर दी विश्वजीत को भी याद है गुड बेटा ये याद कर लीजिएगा इस पर क्वेश्चन आए हैं वाई इक्वल टू टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेर बाई यू स्क्र कौ स्क्र थीटा पाथ कैसा होता है बेटा बोलेंगे पैराबोलिक चलिए आगे बढ़ रहे हैं तो पहला फॉर्मूला किसका याद रखना है टाइम फिर हाइट फिर रेंज फिर मैक्सिमम रेंज फिर पाथ अब आपको चार थ्योरम समझना है ये घूम घूम के यही चार थ्योरम आती है बेटा थ्योरम वन थ्योरम वन पहले सुन लो दो अलग अलग, अलग एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा हो रेंज इक्वल होती है पहली थ्योरम क्या है दो अलग अलग, अलग एंगल्स जिनका सब 90 डिग्री हो रेंज इक्वल होती है क्लियर है द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल पहली थ्योरम लिखो द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर टू डिफरेंट एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर सेम व्हेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो यह है पहली लिखी लिखिए हर्ष को याद है ऋषि को भी याद है दो अलग अलग एंगल जिनको जोड़ने पे क्या आए नाइन्टी डिग्री आए रेंज इक्वल होती है दो अलग अलग एंगल हमें याद करते हुए चलना है बेटा और ये सब आपको याद होगा मैं जानता हूं दो अलग अलग, अलग एंगल्स जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आए रेंज इक्वल होती है याद होगा बेटा मुझे पता है ये सबको याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज इक्वल होती है प्रीतम बिल्कुल ठीक दो एंगल जिनका सम 90 और कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं इकरा को भी याद है समर को भी याद है समर अब ध्यान से नोट्स बनाना बेटा पांच मिनट में आप चाहोगे तो रिवाइज कर लोगे है ना हम जल्दी जल्दी ये शुरुआती शुरु लेसन इजी है तो ये पहली थ्योरम हो गई बेटा दो अलग अलग एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री और रेंज इक्वल होती है दूसरी थ्योरम समझो दूसरी थ्योरम समझो पहले समझ लो पहले समझ लो फिर लिखूँ जैसे ये सिक्सटी का एंगल है बेटा इस पे हमने किसी को फेंका तो ये आर दूर जा रही है सिक्सटी के एंगल पे हमने किसी बॉडी को फेंका तो ये आर दूर जा रहा है हाँ नितेश अब ये थ्योरम समझो अब इस एंगल को मैंने फोर्टी फाइव डिग्री से घटा दिया फोर्टी फाइव डिग्री से घटा दिया इन्हें फिफ्टीन कर दिया फोर्टी फाइव घटा दो तो रेंज बदल जाएगी क्यों क्योंकि देखो इन दोनों का सम नाइन्टी नहीं है तो रेंज बदल गई फिर मैंने इसी एंगल को सिक्सटी वाले एंगल को ही फोर्टी फाइव डिग्री से बढ़ा दिया फोर्टी फाइव से बढ़ा दूंगा तो एंगल हो जाएगा वन जीरो फाइव सिक्सटी प्लस फोर्टी फाइव कितना हो जाता है वन जीरो फाइव तो वन जीरो फाइव का तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट पे बनाना पड़ेगा तो अब प्रोजेक्टाइल को फेंका वन जीरो फाइव के एंगल पे तो ये रेंज भी आर वन ही रहेगी मतलब ये बाद की दो रेंज इक्वल होंगी बाद की दो रेंज इक्वल होंगी बाद की दो रेंज इक्वल होंगी, होंगी। शुरू वाले के इक्वल नहीं होंगी बाद के दो रेंज इक्वल होंगी किसी भी एंगल को 45 डिग्री से बढ़ाओ या 45 डिग्री से कम करो अभी मैं बता रहा हूँ बेटा क्या नोट करना है किसी भी एंगल को 45 डिग्री से बढ़ाओ या 45 डिग्री से कम करो वो दोनों रेंज इक्वल होती हैं शुरू वाली रेंज के इक्वल नहीं होती हैं वो दोनों रेंज आपस में इक्वल होती हैं याद है बेटा नहीं याद है तो समझ लो पहले 45 फाइव से बढ़ाने पर और 45 फाइव से घटाने पर रेंज इक्वल आती है तो थोड़ा बुकिश लैंग्वेज यूज करेंगे और फिर ये रिजल्ट लिखवा दूंगा थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज यूज करो वैन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वैन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन exceed or fall exceed or fall by 45 degree the range in both cases are equal the range in both the cases <coughs> are equal ये लिखो और फिर शॉर्ट में ये लिखो कि आर थीटा प्लस फोर्टी फाइव बराबर होता है आर थीटा माइनस फोर्टी फाइव के और ये दोनों बराबर नहीं होते आर थीटा के और ये दोनों बराबर नहीं होते आर थीटा के हर्ष को बिल्कुल याद आ गया भविष्य को समझ नहीं समझ में आया भविष्य को समझ में नहीं आया चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ पहले लिख लो तिमरन को भी समझ में नहीं आया पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ सेकंड स्लाइड में ऋषि को भी समझ में नहीं आया मैं समझाता हूँ पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ चार थ्योरम होते हैं बेटा जिस तरह से आपने पांच फॉर्मूले याद किए उस तरह से आप चार थ्योरम याद करो यह है दूसरी थ्योरम वेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक्सीड और फॉल बाय फोर्टी फाइव डिग्री द रेंज इन बोथ द केसेज आर इक्वल आर थीटा प्लस फोर्टी फाइव इक्वल होता है हाँ फोर्टी फाइव के लिए है बेटा सिर्फ ये अवनीश अवनीश ये फोर्टी फाइव के लिए है शुमाइला दीपांशु आरुष को समझ में आ गया जिनको समझ में नहीं आया एक बार उनके लिए फिर लिख लिया ये मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ अब देखो बेटा ऐसे चलो डाटा से देखते हैं किसी को मैंने मान लो सिक्सटी डिग्री से फेंका और वो बीस मीटर दूर जा रहा है ऐसे समझो डाटा से समझो किसी को मैंने सिक्सटी डि सिक्सटी डिग्री के एंगल पे फेंका और वो बीस मीटर दूर जा रहा है फिर मैंने एंगल को फोर्टी फाइव डिग्री से घटा दिया फोर्टी फाइव डिग्री से घटा दिया यानी कितना कर दिया सिक्सटी में से फोर्टी फाइव घटाओ फिफ्टीन डिग्री तो मान लो उसकी रेंज बदल के हो गई सत्रह मीटर रेंज बदल जाएगी क्यों क्योंकि इन दोनों का सम नाइन्टी नहीं है मान लो उसकी रेंज बदल के हो गई सेवेंटीन मीटर मान लो उसकी रेंज बदल के हो गई सेवेंटीन मीटर फिर इसी एंगल को सिक्सटी वाले एंगल को ही फोर्टी फाइव डिग्री से बढ़ाओ फोर्टी फाइव डिग्री से बढ़ाओ तो सिक्सटी में फोर्टी फाइव जोड़ोगे तो क्या होगा बेटा वन जीरो फाइव पहले क्वाड्रेंट में तो बनाओगे नहीं वन जीरो बन गया वन जीरो फाइव तो अब चीज कितनी दूर जाएगी अभी भी सत्रह मीटर ही जाएगी ये है थ्योरम फोर्टी फाइव से घटाने पे जो रेंज होती है वही रेंज फोर्टी फाइव से बढ़ाने पर होती है और दोनों इक्वल नहीं होती शुरू वाली रेंज के आपस में इक्वल होती हैं 45 से अगर थीटा 45 से कम हो तो तो फिर नहीं हो पाएगा बेटा ये लॉजिक तो फिर ये लॉजिक नहीं हो पाएगा नेगेटिव में एंगल जाएगा तो फिर ये थ्योरम नहीं लगेगी हाँ इकरा को भी याद हो गया बेटा अब समझिए 45 से घटाने पर और 45 से बढ़ाने पर रेंज इक्वल होती है और शुरू वाली रेंज के इक्वल नहीं होती 45 से बढ़ाने पर सिमरन को तो समझ में आ गया। भविष्य को भी समझ में आ गया अच्छे से चलिए बेटा जहां भी दिक्कत हो मुझे बता दिया करो जो रेंज 45 फाइव से घटाने पर आती है वही रेंज 45 फाइव से बढ़ाने पर आती है चार थ्योरम होते हैं बेटा याद रखो पहली थ्योरम क्या दो अलग अलग एंगल जिनका सम 90 हो रेंज इक्वल होती है दूसरी थ्योरम क्या कहती है आर थीटा प्लस फोर्टी फाइव इक्वल होता है आर थीटा माइनस फोर्टी फाइव के और दोनों इक्वल नहीं होते आर थीटा के आपको इतना भी है तो चलेगा आपको इतना भी है तो चलेगा क्लियर है चलिए क्लियर हो गया थ्योरम थ्री थ्योरम थ्री इजी है हमने चीज को 45 के एंगल पे फेंका अभी वो किस लैंग्वेज में भी लिखवा दे रहा हूँ पहले समझ लो तो 45 पे तो हम पढ़ के आ रहे हैं रेंज मैक्सिमम होती है 45 पे एंगल पे पढ़ के आ रहे हैं बेटा हाँ याद करते चलना है टू पूरा याद करते चलो वन पूरा एरर पूरा डायमेंशन पूरा इंस्ट्रूमेंट्स पूरे है ना बेटा ये छोटे छोटे टॉपिक है ये एक घंटे में ही आप क्लियर कर लो 45 के एंगल पे चीज सबसे दूर जाती है तो जब रेंज मैक्सिमम होती है ना तो वो 4H के इक्वल होती है मान लो किसी चीज को हमने 45 के एंगल पे फेंका और वो 20 मीटर ऊपर जा रहा है किसी चीज को हमने 45 के एंगल पे फेंका और वो 20 मीटर ऊपर जा रहा है तो बिना कैलकुलेशन किए आप कह सकते हो कि वो 80 मीटर दूर जा रहा होगा बिना कैलकुलेशन की है हाँ ये तो याद है ये प्रीतम को भी याद है बिना कैलकुलेशन की आप कह सकते हो कि वो 80 मीटर दूर जा रहा होगा मैक्सिमम रेंज कितनी होती है हाइट की चार गुनी ये तो सबको याद है ये सबको याद है समझना भी आसान है जो मैक्सिमम रेंज कितनी होती है कितनी होती है बेटा बोलेंगे हाइट की चार गुनी इसको वर्ड्स में लिख लो मैक्सिमम ओरिजोनटल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम की बात हो रही है ये तीसरी थियोर में यह इजी है इज फोर टाइम्स द ग्रेटेस्ट हाइट द मैग्जिम औरजोंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज फोर टाइम्स द ग्रेटेस्ट हाइट क्या कह रहे बेटा डाउट था कि सोप बबल इन वाटर एरिया ट्वाइस नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा ट्वाइस ट्वाइस क्या होगा बाहर पानी अंदर हवा सिर्फ हम हवा देखते हैं बेटा यह लिख लो डबल नहीं होगा बेटा बबल में अगर पानी के अंदर है तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है वो हाइट की चार गुनी होती है सबको याद है चलिए आगे बढ़ना हैं बादल को याद है सुदर्शन को याद है एंगल 45 नेसेसरी है हाँ बेटा शंभवी को याद हो गया 45 का एंगल जरूरी है बेटा 45 पे तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी हाँ हर्ष ने बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज भी लिख दी चलिए लास्ट थ्योरम, थ्योरम फोर मैंने बोला है चार थ्योरम होते हैं तो लिखो प्रोजेक्टाइल द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द अर्थ विद एग्जैक्टली द सेम स्पीड As it was projected initially, but the angle which it makes with the horizontal. ज द अभी सब समझाऊंगा तो पहले लिख लो नेगेटिव ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये है चौथी और आखिरी थ्योरम लिख लो हर्ष को याद है बेटा बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है मेरा लिखना खत्म हुआ इसका लिखना खत्म हुआ गुड बेटा ऋषि बेटा मैं खुद बता रहा हूँ मेरी बेटी अभी बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी मेहनत काम में आती है बेटा मेहनत कीजिए मेहनत कीजिए एवरेज और क्रीमी कुछ बच्चे होते हैं नो डाउट क्रीमी बेटा नाइन्टी परसेंट बच्चे जो रहते हैं वो नीट में अपनी मेहनत से सीट अचीव करते हैं ध्यान रखो टेन परसेंट क्रीमी लेयर रहती है बेटा वो रहते हैं होशियार बाकी नाइन्टी परसेंट बच्चे मेहनत से अचीव करते हैं अपनी सक्सेस क्लियर है भविष्य को भी याद है बेटा दीपक को भी याद है मैं इसका मतलब समझाते हुए बस आगे बढ़ रहा हूं बस मैं इसका मतलब समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं ये जिस स्पीड से हम फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल को उसी स्पीड से वो जमीन से टकराएगा यह थ्योरम बिल्कुल आसान जिस स्पीड से हम चीज़ को फेंकेंगे उसी स्पीड से वो टकराएगा लेकिन यहाँ का एंगल अगर मैं थीटा कह रहा हूँ टकराते टाइम एंगल में अगर अल्फ़ा लिख रहा हूँ यहाँ पे तो जो अल्फ़ा होगा वो माइनस ऑफ थीटा होगा दिख ही रहा होगा ये अगर थर्टी है तो ये माइनस थर्टी होगा बट द एंगल विच इट मेक्स विद द ओरिजोनटल ये देखो ये ऑरिजोंटल से एंगल बना रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा होगा विश्वजीत को भी याद है इकरा को भी याद है ये चार थ्योरम ध्यान रखिएगा बेटा ये चार थ्योरम ध्यान रखिएगा ये कोई चैप्टर तो है नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन ये एक छोटा सा आर्टिकल है तो इस बार हम आई के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा जो मेन्स में आज तक आए हैं अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ थीटा हर्ष बिल्कुल ठीक चलिए ये चार थ्योरम हो गई बेटा चार थ्योरम हो गई बहुत ध्यान से लिखिएगा थ्योरम तो प्रोजेक्टाइल में आपको इतना करना है अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल चालू कर रहे हैं ये इतना टाइम नहीं लेगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हेडिंग डालिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल <coughs> तो इसमें क्या होगा बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजोंटली बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरीजोंटली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ज्यादा मैं डेप्थ में करा ही नहीं रहा जो चीजें याद रख सकते हो याद रखो बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजोंटली सर्टेन हाइट हमें किसी बिल्डिंग पे खड़ा होना है एच हाइट की वहां से चीज को फेंकना है यू वेलोसिटी से हमें किसी बिल्डिंग पर खड़े होना है एच हाइट की और वहां से चीज को फेंकना है क्या थीटा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एंगल होगा बेटा

आपके लेवल से ऊंचे क्वेश्चंस करा रहा हूं मेंस के अगर इतना आप कर रहे हैं आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इस तरह से मैं चीज को फेंक रहा हूं क्लियर है ये ठीक है बेटा इस तरह से मैं चीज को फेंक रहा हूं तो इसके भी पांच फॉर्मूले आएंगे कौन कौन से ध्यान से सुनो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि कितने टाइम में पत्थर नीचे आया दूसरा हम निकालेंगे कितना दूर गया पत्थर तीसरा देखो पत्थर आगे भी जा रहा है मतलब इसकी एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और नीचे भी आ रहा है मतलब इसकी वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है तो हम निकालेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या निकालेंगे जब एक ही बॉडी की दो दो वेलोसिटी हैं तो हम क्या निकालेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी चौथा हम निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी वी एक्स तो दिख रहा होगा बेटा एक्स डायरेक्शन में वी वाई भी दिख रहा होगा वाई डायरेक्शन में वी वाई भी दिख रहा होगा वाई डायरेक्शन में तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालेंगे और तो पांचवा लिखेंगे पाथ पांच फॉर्मूले आएंगे इसमें टाइम रेंज रिजल्टेंट वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड पाथ याद करिएगा याद करिएगा ऑरिजोनटल प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले टाइम रूट में टू एच जी निकाल सकते हो आप एक लाइन में लेकिन याद करो टाइम <coughs> रूट में टू एच जी हाँ विश्वजीत मैक्सिमम ऑरिजोंटल रेंज फोर टाइम्स द ग्रेटेस्ट हाइट होती है टाइम का फॉर्मूला रूट में टू एच बाई जी इसके फॉर्मूले छोटे छोटे हैं एक मिनट में आप डिराइव भी कर सकते हो लेकिन याद रखो रेंज रेंज को आर से लिखते हैं रेंज होता है यू रूट में टू एच बाई जी रेंज होता है यू रूट में टू एच बाई जी सब करेंगे बेटा क्वेश्चन हम पहले याद करने का काम करो भविष्य मैंने बोला इस बार हम तीन साल के नहीं बल्कि सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं मेंस के हाँ तो रेंज क्या होता है यू रूट में टू एच बाय तीसरा लिखो रिजल्टेंट वेलोसिटी मैंने अभी आपको बताया कि एक ही बॉडी की दो दो वेलोसिटी है वी एक्स भी है और वी वाई भी है तो जो वी एक्स होती है मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वो होती है यू के बराबर याद रखना और जो वी वाई होती है वो होती है जी टी के बराबर तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो यू स्क्वायेर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्र यह होती है रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला Vx, Vy और लिखो वी एक्स होता है यू बिल्कुल टीकमोत वी वाई होता है जी टी पाइथ तो एस्टेरम लगा के दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर क्वेश्चन बनेंगे कृष्णा अभी क्वेश्चन पे आने दीजिए अभी तो बस फार्मूले लिखते जाइए स्नेहल वी एक्स इक्वल टू यू फातिमा वी एक्स इक्वल टू याद है हाँ बेटा रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर तो आ जाएगी रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर ये होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला स्लाइड चेंज कर रहा हूँ याद होंगे मैं मानता हूँ बेटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी टेन थीटा बराबर जी टी बाई यू टेन थीटा बराबर जी टी बाई यू ये जो थीटा निकलेगा ये विद हॉरिजॉन्टल निकलेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में किसी इंस्टेंट पे अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना है देखते हैं बेटा को जल्दी जल्दी स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं तो टेन थीटा बराबर होता है जी टी बाई यू इसके अगर आप बीस अच्छे क्वेश्चन कर लो तो पूरे मेंस के क्वेश्चंस हो जाएंगे पूरे तो थीटा बराबर के टेन थीटा बराबर क्या होता है जी टी बाई यू थीटा किसके साथ होता है याद रखना हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा किसके साथ होता है याद रखिए हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा किसके साथ होता है याद रखिए हॉरिजॉन्टल के साथ आगे बढ़ रहे हैं पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल पाथ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल याद रखो वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ये सब याद होना चाहिए वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ये याद है कि नहीं ये बताओ जबीन बात होता है पैराबोलिक ये भी ये बात होता है पैराबोलिक तो 99 नाइन परसेंट क्वेश्चन तो यहीं से यहीं तक के आए हैं या तो अब्लिक प्रोजेक्टाइल के आए हैं या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अब जितना भी होगा सब एक्स्ट्रा होगा अब एक्स्ट्रा आपको जितना भी करना है 99% क्वेश्चंस परसेंट क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूं यहीं से आए इतना आया है अब कुछ एक्स्ट्रा लिख लीजिए चीजें एक्स्ट्रा लिख लीजिए होप आपको बताई गई होंगी कुछ एक्स्ट्रा लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो <coughs> लाइक चेंज कर रहा हूं हेडिंग डाली है प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट एट एन एंगल थीटा एबव औरजोनटल ये मैं बार बार कह रहा हूँ ये नहीं आए हैं ये कम आए हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट एट एन एंगल थीटा एबव औरजोनटल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट एट एन एंगल थीटा एबव औरजोंटल यानी याने आप जमीन से कोई बिल्डिंग है जमीन पर एच आइट की आप यहां खड़े हो और प्रोजेक्टाइल को तीटा का एंगल बनाते हुए फेंक रहे हो ऑरिजोंटल से ऐसा फिगर बनाओ फिगर बनाओ फिगर बनाओ क्या करना है आप दोनों को मिक्स कर दिया अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी हो गया बिल्डिंग पे खड़े होकर चीज को एंगल बनाकर फेंका बिल्डिंग पर खड़े होकर चीज को एंगल बनाकर फेंका अब ये आधे की नहीं देखते हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना बस इक्वेशन बनाना सीख लो बस पहले हॉरिजॉन्टल मोशन देखो फार्मूला लगाओ डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम फिर वर्टिकल मोशन देखो और ये फार्मूला लगाना सीखो इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको अपने दिमाग से आपको सॉल्व करना है इसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा अपने दिमाग से आपको सॉल्व करना है एक ये पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ कहीं भी ले लो एक्स वाई एक पॉइंट ले लिया है पी उसके कोऑर्डिनेट मान लिए हैं एक्स वाई तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में एक्स ले लूंगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आ जाएगी यू थीटा, तो बी की जगह यू थीटा लिखूंगा और टी की जगह टी लिखूंगा मैंने बार बार बोला इसमें कोई रिजल्ट नहीं आने वाला इसमें कोई रिजल्ट नहीं आने वाला इसमें बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए तो एक्स बराबर हो जाएगा यू कोस्थीटा इंटू टी अब इधर देखो जब u cos थीटा इधर आया है तो u sin थीटा ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन अल्टीमेटली तो बॉडी नीचे जा रही है अल्टीमेटली तो बॉडी नीचे जा रही है तो जब आप वर्टिकल मोशन देखोगे s की जगह लिखोगे h, u की जगह लिखोगे माइनस यू साइन थीटा ये इंपॉर्टेंट है माइनस यू साइन थीटा क्यों देखो यू साइन थीटा ऊपर की तरफ है जबकि बॉडी यहां पे नीचे जा रही है माइनस यू साइन थीटा टी की जगह टी हाफ की जगह हाफ a की जगह जी टी स्क्वायर की जगह टी तो ये इक्वेशन बन जाएगी इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है बस आप इक्वेशन बनाना सीखिए डिस्टेंस से रिलेटेड मैंने बताया दीपक अगर सो बबल पानी के अंदर है तो उसकी एक फ्री सरफेस होगी दो नहीं होंगी और सरफेस टेंशन क्यों पड़ रहे हो प्रोजेक्टाइल में अभी तो इक्वेशन बनाना सीखिए यू थीटा को मैंने नेगेटिव ले लिया कई लोग बताते हैं जी को नेगेटिव ले लो उठ पटांग कुछ भी तो ऐसा नहीं बेटा वेलोसिटी को नेगेटिव ले लो थीटा ऊपर की तरफ है जबकि पत्थर नीचे जा रहा है तो याद रखो जब भी थीटा का एंगल बनाते हुए हम पत्थर को कुछ इस तरह से फेंकेंगे तो ये दो तो इक्वेशन सबसे पहले बनाना है ये तो बाउंसर गया फिर से देख लो बेटा बाउंसर क्यों गया तुम्हारे मुंह से ही मैं कबुलवाऊंगा कि पूरा समझ में आया तब आगे बढ़ूंगा इसमें बेटा दो चीजों को मिला दिया तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई कॉम्प्लेक्स हो गई तो स्टैंडर्ड रिजल्ट कुछ नहीं आएगा बल्कि इक्वेशन बनेंगी कैसे देखो बिल्कुल आराम से देखो हॉरिजॉन्टल मोशन देखे एक मिनट आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं डिस्टेंस से रिलेटेड फार्मूले लगाओ अब तो ठीक है एस इक्वल टू यू टी प्लस आफ ए टी स्क्वायर मैंने दो बार लिख दिया बेटा देख लो बेटा एस इक्वल टू यू टी प्लस आफ ए टी स्क्वेयर मैंने दो बार लिख दिया एक बार मैं इसे हॉरिजॉन्टली लगाऊंगा एक बार मैं इसे वर्टिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी सवाल हो बेटा डिस्टेंस की इक्वेशन लगाया करो तो ये पॉइंट मैंने लिया बेटा एक्स वाई एक्स वाई का ये मतलब है कि एक्स एक्स के लॉन्ग चला गया डिस्टेंस एक्स है और वाई एक्स के लॉन्ग चला गया डिस्टेंस वाई है एक्स वाई का क्या मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है और वर्टिकल डिस्टेंस वाई है अब देखो मैं तो बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल की s की जगह मैंने एक्स लिख दिया एस की जगह मैंने एक्स लिख दिया बेटा और ये मैंने यू के दो टुकड़े कर लिए एक टुकड़ा आया u cos थीटा एक टुकड़ा आया u sin थीटा एक टुकड़ा आया u sin थीटा तो मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं बेटा तो मैंने लिखा u cos टाइम की जगह मैंने लिखा टाइम हाफ की जगह मैंने लिखा हाफ और एक्सेलरेशन की जगह मैंने लिखा जीरो कोई बता सकता है क्यों लिखा मैंने एक्सेलरेशन की जगह जीरो देखो बेटा मैंने बोला है प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ ग्रेविटी की बात करना है तो ग्रेविटी नीचे काम करती है और मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजोंटल की तो शुरू में ही मैंने बताया है कि जो चीज वर्टिकल होगी फिर वो चीज हॉरिज़ॉन्टल नहीं होगी ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है जबकि हम हॉरिजोंटल डायरेक्शन की बातें कर रहे हैं तो हॉरीजोंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लेंगे बेटा जीरो बिल्कुल ठीक को तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू यू कॉस दी टाइम टी इक्वेशन बनेगी अब बताइए क्या नहीं समझ में आया अब सेम यही काम कर रहे हैं हम वर्टिकल के लिए सेम यही काम कर रहे हैं हम वर्टिकल के लिए अब वर्टिकल में देखो बॉड हाँ नो एक्सेलरेशन इन ऑरिजोनटल डायरेक्शन वर्टिकली बॉडी कितने नीचे आई वाई वर्टिकली बॉडी कितने नीचे आई वाई अब बात आ गई यू की बेटा तो हम बात कर रहे हैं बॉडी के नीचे आने की अब ये यू साइन थीटा तो ऊपर है मुझे बात करना है नीचे की तो मैंने इसे नेगेटिव लिया टाइम की जगह टाइम लिया हाफ की जगह हाफ लिया हाँग नीचे कौन सा एक्सेलरेशन काम करता है ग्रेविटी वाला और टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर लिया तो ये बन गई दो इक्वेशंस ये बन गई दो इक्वेशंस इतने में सवाल सॉल्व हो जाएगा इतने में सवाल सॉल्व हो जाता है बेटा अब बताओ क्या नहीं समझ में आया अब बताओ बेटा क्या नहीं समझ में आया एस इक्वल टू यू टी प्लस आप ए टी स्क्वायर दो बार लगा दो हॉरिजॉन्टल में यह पर्टिकुलर पूरा पोर्शन जीरो हो जाता है तो एक तरह से आ जाता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम इब्राहिम अब मैसेज करिए आया कि नहीं चलिए आगे बढ़ इक रहे इकरा को तो आ गया बेटा प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट एट एन एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल टाइम है सारे फॉर्मूले एक बार देख लो बस प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट एट एन एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल फिर से हम बिल्डिंग पे चढ़ गए फिर से हम चीज को फेंकेंगे लेकिन नीचे की तरफ फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा का एंगल बनाते हुए इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा ये अगर यू है तो u cos थीटा और इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा u साइन थीटा एक पॉइंट ले लिया P उसके कोऑर्डिनेट मान लिए x y एक पॉइंट ले लिया P उसके कोऑर्डिनेट मान लिए x y बहुत ध्यान से प्रोजेक्टाइल के पूरे नोट्स बनाओ बेटा जिससे थोड़े हायर लेवल के सवाल भी बने इसमें भी वही करो एक बार हॉरिजॉन्टल की बात करो मैं पूरा ही लिख देता हूं इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा और एक बार वर्टिकल की बात करो और यह फॉर्मूला लगाओ तो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल हो, में डिस्टेंस कितना लू एक्स वेलोसिटी कितनी लू यू थीटा और टाइम कितना लू टी और बाकी का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहता है तो जो चीज नीचे रहती है हॉरिजॉन्टल रहती है, वो उसका वर्टिकल इफेक्ट जीरो होता है बेटा इब्राहिम को भी आ गया। अब, बेटा नीचे देखो पत्थर के नीचे आने को देखो एस की जगह लिखो वाय अब देखो पत्थर भी नीचे आ रहा है और यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट भी नीचे है अब तो अब यू साइन थीटा को पॉजिटिव लो अब यू साइन थीटा को पॉजिटिव लो हाफ को हाफ लो एक को जी लो टी स्क्वायर को टी स्क्वायर लो और ये का और इनटू होगा अब यू साइन थीटा कहाँ है बेटा नीचे की तरफ है ये बेटा टीचर्स बहुत कंफ्यूज करते हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कुछ नहीं अपने आप बिल्कुल बेसिक दिमाग से करोगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा जी पॉजिटिव होगा बिल्कुल सब पॉजिटिव होगा बेटा पत्थर नीचे आ रहा है ग्रेविटी पॉजिटिव लेंगे हम ग्रेविटी के रूल कभी मत बदलो ऊपर जाए तो माइनस जी नीचे आए तो प्लस जी नहीं तो बहुत परेशान हो गए कई लोग टीचर्स बेटा ग्रेविटी के रूल बदलना सिखाते हैं ग्रेविटी मत बदलो ग्रेविटी नहीं बदलो वेलोसिटी देखो पत्थर भी नीचे कंपोनेंट भी नीचे तो पॉजिटिव लो बेटा जल्दी जल्दी बढ़ते जाओ जल्दी जल्दी बढ़ते जाइए ये आ गया थोड़ा सा टफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ब्रैकेट में लिखा है अप प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इतने मुझे नहीं लगता अपने याद किए होंगे लेकिन एक बार पढ़ लेना बेटा <laughs> एक बार पढ़ लीजिएगा ये कोई इंक्लाइन प्लेन है ये बीटा का इंक्लिनेशन है इससे हम कोई प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं <coughs> इससे हम कोई प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ पूरा एंगल अल्फा है अल्फा कितना लेना है ध्यान रखना है ये पूरा ये कोई इंक्लाइन प्लेन है इससे हम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं यू की स्पीड से तो प्रोजेक्टाइल दूसरे पेन से बना देता हूँ ग्रीन पेन से बनाता हूँ चलो कुछ ऐसा मूव करता हुआ जाएगा कुछ ऐसा मूव करता हुआ जाएगा प्रोजेक्टाइल इससे यू की स्पीड से फेंका है बहुत ध्यान से इसके फॉर्मूले लिखना मैं पूरा एक घंटे में आपको सिस्टमेटिक प्रोवाइड करूंगा तो अल्फा बीटा याद रखना बेटा अल्फा क्या है एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल लिख देता हूं विद हॉरिजॉन्टल पूरा एंगल है बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ और बीटा क्या है एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल मैंने ये अल्फा और बीटा बीच से नहीं बनाए हैं मैंने अल्फा और बीटा बीच से नहीं बनाए हैं दोनों एंगल मैंने हॉरिजॉन्टल से लिए हैं याद रखना दोनों एंगल मैंने हॉरिजॉन्टल से लिए हैं याद रखना बीटा यानी इंक्लाइन प्लेन का एंगल यू थीटा नेगेटिव क्यों नहीं लिया क्योंकि बेटा बॉडी भी नीचे आ रही है और हम नीचे की ही बात कर रहे हैं तो नेगेटिव किस बात का जब यू साइन थीटा ऊपर था और बॉडी नीचे आ रही थी तब हमने नेगेटिव लिया था बहुत ध्यान से करो ये टीचर आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं ध्यान रखना टाइम का फॉर्मूला हमने वैसे क्या रटा है टू यू साइन थीटा बाई जी तो अभी हो जाता है टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी की जगह जी कॉस बीटा याद रखो इंक्लाइन प्लेन पे अगर किसी को ऊपर फेंकते हैं तो ये होता है टाइम ये होता है टाइम नोट कर लो अब रेंज का क्या होता है वो लिख लो हाइट तो उतनी होगी जितनी रहती है रेंज का लिख लीजिए टू यू स्क्वेर साइन अल्फा माइनस बीटा क्या लिखा है बेटा टू यू स्क्वेर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा अपॉन यही जो नीचे है बेटा जी स्क्वेर स्क्वायर बीटा टाइम में सिर्फ जी कॉस बीटा आता है रेंज में जी स्क्वेयर कॉस स्क्वायर बीटा हो जाता है याद है विश्वजीत को गुड बेटा ये मैं बार बार कह रहा हूं ये बकवास है बेटा मेंस में बस एक बार आया है नीट में एक भी बार नहीं आया है इनक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल वही है बेटा लेकिन लगता है कुछ छूट ना जाए कुछ छूट ना जाए ये आया है बेटा और बल्कि मुझे लगता है 2021 में ही आया है इनक्लाइन प्लेन का मेन्स में तो ये याद रखो फिर लिखो रेंज इज मैक्सिमम वैन रेंज इज मैक्सिमम वैन नोट करो तो मैं स्लाइड चेंज करूं दीपक को भी याद है गुड बेटा न्यूमेरिकल्स बेटा सिंपल एक आध एक आध अगर आपको किसी मॉड्यूल में मिल रहा हो तो कर लो बाकी यूजलेस है, है ये सिर्फ इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है रेंज इज मैक्म वेन रेंज मैक्सिमम कब होगी जबकि अल्फा कितना हो पाई बाय फोर प्लस बीटा बाय टू और मैक्सिमम रेंज कितनी होगी मैक्सिमम रेंज इंक्लाइन प्लेन पे ये होगी मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यह लिख देता हूं पहले मैक्सिमम रेंज इंक्लाइन प्लेन पे कितनी होगी यू स्क्वायर बाय जी वन प्लस साइन बीटा अब यू स्क्वायर बाय जी चलो ऐसे ही याद कर लो अननेसेसरी कंफ्यूज मत हो इसको एक तरीके से और लिखा जाता है मैं बता देता हूं यू स्क्वायर बाय जी को कहा जाता है ये भी तो मैक्सिमम रेंज होती है ये भी तो मैक्सिमम रेंज होती है रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल पे अपॉन वन प्लस साइन बीटा अगर आप याद कर सकते हैं तो इतना याद कर लीजिए मॉड्यूल में क्वेश्चन क्या है बेटा मेंस में ही पूछा गया है एक मेंस में ही पूछा गया है जो हम कल करेंगे आपको नीट में मुश्किल है <coughs> नोट कर लीजिए टाइम और रेंज के फॉर्मूले हाइट का वही रहेगा जो पहले था ये अल्फा और बीटा नीचे से नापा गया है ये ध्यान रखना अल्फा और बीटा नीचे से नापा गया है यह ध्यान रखना बेटा नहीं बेटा इतने कॉम्प्लेक्स अभी तक नहीं आए इतने कॉम्प्लेक्स अभी तक नहीं आए हैं आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो निसंकोच लेकिन वही है बेटा लालच रहती है लगता है कि जब मेंस में आ रहा है तो हमें ना आ जाए तो so एटलीस्ट एक बार फार्मूले देख लो एक बार फॉर्मूले देख लो अगला कीजिए अगला कीजिए प्रोजेक्टाइल ऑन एन एनक्लाइंट प्लेन हाइट उतनी ही रहेगी बेटा प्रोजेक्टाइल ऑन एन एनक्लाइंट प्लेन ब्रैकेट में लेकर डाउन प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ब्रैकेट में लेको डाउन डाउन या ने अब हम इनक्लाइंट प्लेन पर प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं लेकिन ऊपर से नीचे इस एंगल को वही कहा अल्फा और ये हमने प्रोजेक्टाइल फेंका यू की स्पीड से यू की स्पीड से बल्कि इसको बीटा कहो यह अल्फा इंक्लाइन प्लेन वाला एंगल बीटा और प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन अल्फा हाँ पूरा एंगल लेंगे बेटा हाइट निकालने के लिए हाइट निकालने के लिए पूरा एंगल लेंगे इसके फॉर्मूले लिखो इसमें कुछ खास नहीं है अगर वो आपको याद है तो ये भी हो जाएंगे उसमें अल्फा माइनस बीटा लिया था इसमें अल्फा प्लस बीटा लो और नीचे वही जी कॉस बीटा बस उसमें जितने माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे जितने माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे रेंज क्या हो जाएगी टू यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस बीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा टू यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बेटा ये कर जरूर रहे लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं मेंस में अभी एक आया है बाकी नहीं आए है और मैक्सिमम रेंज लिखो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस बीटा बाय टू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस बीटा बाय टू मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी यू स्क्वायर बाय जी वन माइनस साइन बीटा उसमें वन प्लस साइन बीटा था इसमें वन माइनस साइन बीटा नहीं बेटा ये टॉपिक बिल्कुल 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 बेकार है है ना जो चीज 33 थ्री ईयर्स में नहीं पूछी गई है वो आप क्यों पूछी जाएंगी लेकिन वही है बेटा एक लालच है कि 2021 में मेंस में इसका एक क्वेश्चन आया है वो एजेंसी क्यों है जो आपका पेपर बना रही है बेटा वही एन टी है।, है कि अगर उस पर क्वेश्चन आया है मतलब उनके निगाह में ये टॉपिक है तो आप बिल्कुल बेटा इसको छोड़ नहीं सकते हो एक बार पढ़ लेना एक बार पढ़ लेना मेरे कहने पे तो ये हुआ आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट आपका काम वहीं खत्म हो गया था कहाँ पर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और ऑरिजोंटल प्रोजेक्टाइल पे क्लियर है थ्योरम ध्यान से कीजिए लेकिन ये इतने आउटडेटेड टॉपिक हो चुके हैं कि इनसे सारे क्वेश्चन छन चुके हैं बेटा तो या तो ये नहीं आएंगे और अगर आएंगे तो फिर कोई नया क्वेश्चन आएगा इसलिए आपको इन्हें डेप्थ में पढ़ना है क्लियर है चलो कल तक के लिए गुड बाय कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ओके बच्चों